السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. إبراهيم عليه السلام نے کہا کہ تم نے اللہ کے سوا جن بتوں کی پوجا کی ہے उन्हें तुमने आपस की दुनियावी दोस्ती की बुनियाद ठहरा ली है। तुम सब क़यामत के दिन एक दूसरे के साथ कुफ्र करने लगोगे और एक दूसरे पर लानत भेजने लगोगे और तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा और उस दिन तुम्हारा कोई मददगार नहीं होगा। सूरह अल-अनकबूत की ये 25 नंबर की आयत है। इस आयत में अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत के साथ एक बड़ा अहम पैगाम दिया कि कुफ्र की दोस्ती बातिल से मोहब्बत की बुनियाद पर होती है और बातिल से मोहब्बत की बुनियाद पर जब कोई दोस्ती होती है वो देरपा नहीं होती और हक से दोस्ती और हक की बुनियाद पर जो दोस्ती होती है वो दुनिया और आखिरत और मरने के बाद भी कायम रहती है। अल्लाह ने फरमाया कि जो दोस्त होंगे उस दिन एक दूसरे के दुश्मन होंगे लेकिन मुत्तकी लोग वो दोस्त होंगे। तो फरमाया कि वक़ाल इन्नमा तख़स्तुम मिन दूनिल्लाहि अवसानम मवद्दत बैनकुम फिल हयातिद दुनिया। उन्हें तुमने आपस की दुनियावी दोस्ती की बुनियाद ठहरा ली है। किस चीज़ को? बुत परस्ती को दुनियावी इत्तेहाद का एक सबब बना लिया है तुमने। क़यामत के दिन तुम एक दूसरे के साथ कुफ्र करोगे और एक दूसरे पर लानत भेजोगे। तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा, कोई तुम्हारा मददगार नहीं होगा। यानी क़यामत के दिन ये दोस्त एक दूसरे के साथ दोस्ती जाहिर करने के बजाय दुश्मन हो जाएंगे, एक दूसरे से मोहब्बत के बजाय नफरत करेंगे। लेकिन ईमान और तक़वा की बुनियाद पर जो दोस्ती दुनिया में होगी वो दोस्ती इंसान के दुनिया से जाने के बाद भी कायम रहती है। अच्छा दोस्त मरने के बाद अपने दोस्त के लिए दुआए खैर करता है और उसके लिए सदक़े जारिया का एहतमाम करता है। क़यामत के दिन भी अच्छा दोस्त एक दूसरे के साथ होगा ईमान और तक़वा की बुनियाद पे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया और फरमाया कि तुम्हारी ये दोस्ती की बुनियाद बड़ी कमज़ोर है। बातिल मज़ाहिब जितने हैं इस्लाम के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो जाते हैं लेकिन ये इत्तेहाद दायमी नहीं होता है। जहाँ उनका फ़ायदा होगा फिर वो एक दूसरे से टकरा जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, दुनिया ही में उनकी दोस्ती टूट जाती है। और बातिल फ़िरक़ों का यही मामला है। तौहीद और सुन्नत के ख़िलाफ़ जितनी ताकतें, जितने फ़िरक़े, जितने गरोह, जितनी जमातें हैं वो एक हो जाएंगी, हो जाती हैं, लेकिन उनका यह इत्तेहाद देरपा नहीं होता क्योंकि उनके इत्तेहाद या दोस्ती की बुनियाद बड़ी कमज़ोर है। वो दुनिया ही में ढह जाएगी, आखिरत में तो वो एक दूसरे के पे लानत भेजेंगे, उनका एक दूसरे के साथ वो कुफ्र करेंगे, दुनिया की ज़िंदगी ही में वो एक दूसरे के साथ दुश्मनी करेंगे। ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا। फरमाया कि दुनिया में एक दूसरे के मददगार होंगे, वक्त पड़ने पे दुनिया में खींचतानी हो जाती है, क़यामत के दिन खुद एक दूसरे के वो दुश्मन बन जाएंगे। तो अल्लाह ने कुफ्र की दोस्ती का उखरवी अंजाम बड़ी वजाहत के साथ बताया और फिर नतीजा उनका क्या होगा, वो तो आपस में दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी। वमावाकुम अन्नार वमा लकुम मिन नासिरीन। तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा और तुम्हारा कोई मददगार नहीं होगा। यानी दुनिया का अजाब इंसान नहीं बर्दाश्त कर सकता, आखरत का अजाब कैसे बर्दाश्त करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज के शब में जहन्नम की एक झलक दिखाई गई और जहन्नम का ख़तरनाक मंजर, जैसे बदकार मर्द और बदकार औरतें जो तंदूर में नंगे जल रहे हैं, सूदखोर जो खून की नहर में तैर रहे हैं, या इसी तरह से चुगलखोरी करने वाला, फितने फसाद फैलाने वाला होठों को कैंचियों से काट रहा है, पूरी तफसील आप जानते हैं, वो मंजर, वो अजाब कितना ख़तरनाक होगा।
तो अल्लाह ने उसका जिक्र करके फरमाया कि दुनिया में भी और आखिरत में भी ये दोस्ती ख़त्म हो जाएगी, दुश्मनी में बदल जाएगी। तो इस आयत में जो सबसे बड़ा पैगाम दिया गया कि ना तो बुत फ़ायदा देंगे, न शिर्क फ़ायदा देगा, न जितने देवी देवता हैं और जितने गैर अल्लाह के नाम पे इबादत गाहें और इबादत खाने हैं, सबका इत्तेहाद भी वहाँ बिखर जाएगा और अल्लाह के अजाब का सबब बन जाएगा। यानी बुत नफ़ा और नुकसान के मालिक नहीं है, पहला मसला। दूसरा मसला कि बातिल जानते हुए भी बातिल परस्त से दुश्मनी नहीं लेता बल्कि दोस्ती करता है, इसलिए कि उसे हक को मिटाना है। यानी गलत रहते हुए भी आदमी गलत से दोस्ती सही को मिटाने के लिए करता है। यहूद और नसारा दोनों एक दूसरे को जानते हैं लेकिन इस्लाम के खिलाफ वो मुत्तहिद हो जाते हैं, तो उनका इत्तेहाद कैसे देर पा होगा। तीसरा मसला, क़यामत के दिन एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, एक दूसरे पर लानतान भेजेंगे और अल्लाह के अजाब का शिकार होंगे। चौथा मसला, क़यामत का दिन बरहक है, क़यामत कायम होगी। अच्छा, एक और चीज़ जान ले, क़यामत क्या चीज़ है, क़यामत को क़यामत क्यों कहते हैं? उसकी बहुत सारी वजहें या असबाब में से तीन असबाब मैं बताता हूँ। पहला सबब, क़यामत को क़यामत इसलिए कहते हैं कि उस दिन लोग अपनी कब्रों से खड़े होंगे, खड़े होने को क़याम बोलते हैं, तो लोग कब्रों से खड़े होंगे इसलिए वो क़यामत का दिन होगा। दूसरा जो सबब है क़यामत को क़यामत कहने का, कि उस दिन लोग गवाही के लिए खड़े होंगे, रसूलों पर गवाही उम्मती देंगे, रसूल उम्मतियों पे गवाही देंगे, यानी रसूल के सामने लोग पेश किए जाएंगे, फिर रसूलों की सिफारिश का मैटर आएगा, फिर अल्लाह के सामने पेश होंगे। तो इसलिए क़यामत को क़यामत कहते हैं कि लोग गवाही के लिए सिफारिश के लिए खड़े होंगे। तीसरी वजह जो क़यामत को क़यामत कही जाती है कि उस दिन मीज़ान अदल क़ायम किया जाएगा, وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, अदल का तराजू कायम किया जाएगा। तो क़यामत कब्रों से उठ खड़े होने को भी क़याम कहते हैं, मैदान में खड़े रहने को भी क़याम कहते हैं। तो क़यामत के दिन को क़यामत का दिन इसीलिए कहते हैं, यानी वहाँ जगह जगह क़याम और क़याम खड़े ही होना है। मसला जो शायद से साबित होता है कि जहन्नम किसके लिए है, रसूलों को झुठलाने वालों के लिए और कुफ्र पर डटे रहने वालों के लिए है। पांचवा मसला कि मुशरिक को कोई चीज़ अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकेगी। जब अल्लाह के अजाब का फैसला हो जाएगा शिर्क की बुनियाद पर, कोई उनका मददगार नहीं होगा। और उसके बाद अल अखिल्ला यौमैदिन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन, दुनिया की जितनी दोस्ती है इस्लाम के खिलाफ, जितना इत्तेहाद और जितनी दोस्ती है, ये उस दिन दुश्मनी में बदल जाएगी और जो दोस्ती बाकी रहेगी वो ईमान और तक्वा की दोस्ती बाकी रहेगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उस दिन की सख्ती से बचाए और ईमान और तक्वा की बुनियाद पर हमारी इस दोस्ती को दुनिया और आखिरत दोनों जगहों पर कायम रखे, और अल्लाह हमें अपने रसूलों की रिफाकत नसीब फरमाए। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। दीन की बात आम करने में आई प्लस टीवी की मदद करें। पेटीएम या गूगल पे के लिए हमारे नंबर्स पर ट्रांसफर करें। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।